सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज, माई नेम इज़ सौजन्य साने। सो अगर आपने मेरे रीसेंट वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मेरे चैनल पे फिलहाल साउथ गोवा की सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ में मैंने अभी तक 3 वीडियोस अपलोड किए हैं। ये मेरा 4th वीडियो है साउथ गोवा की सीरीज़ में। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल दिखाने वाला हूँ और इस टेम्पल का नाम है तामड़ी सुरला और ये एक शिव मंदिर है। अब यह टेम्पल कहाँ पर है, आप यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं और यहाँ पे आप क्या क्या देख सकते हैं, ये सभी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये टेम्पल डेफिनेटली एक मस्ट विजिट प्लेस है। बट बिफोर वी बिगिन विथ अवर मेन वीडियो, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं ट्रैवल रिलेटेड ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लेके आता हूँ। सो नाउ लेट अस बिगिन विथ अवर मेन वीडियो। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट कि ये टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है। सो दिस टेम्पल इज लोकेटेड इन द इंटीरियर्स ऑफ द ब्यूटिफुल भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नाउ आई वुड रिकमेंड दैट यू शुड ट्रैवल ओवर हियर बाई योर ओन व्हीकल इफ यू हैव एनी, और यू ऑल्सो हैव द ऑप्शन ऑफ हायरिंग 2-व्हीलर्स फ्रॉम द मेन सिटी ऑफ मडगांव और एनी नियर बाई सिटी इन साउथ गोवा। This would make your commuting easier as this place is really remote and located in the interiors of the wildlife sanctuary. अब ये जो रोड है ना, जो आपको तामड़ी सुरला तक लेके जाता है, ये रोड बहुत ही खूबसूरत है। स्पेशली जब आप भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंटर करते हो ना, तब आपको बहुत ही बेहतरीन व्यूज देखने मिलते हैं। आप लिटरली एक जंगल के बीच में से पास हो रहे होते हो एंड देयर फोर दिस राइड इज रियली अ ब्यूटिफुल वन। आफ्टर अ लॉन्ग राइड आप फाइनली टेम्पल के एंट्रेंस के यहाँ पे पहुँच जाते हो और एंट्रेंस में ही आपको एक पार्किंग लॉट देखने मिलता है। यहाँ पे आप अपने 2-व्हीलर्स या 4-व्हीलर्स पार्क कर सकते हो। अब पार्किंग लॉट से टेम्पल तक जाने के लिए आपको 5 मिनट का वॉक लेना पड़ेगा। अब जैसे ही ये वॉक चालू करते हो तो लेफ्ट साइड में आपको एक रिवर दिखेगी। नाउ वी वेंट इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। नाउ आई कैन जस्ट इमेजिन हाउ अमेजिंग दिस व्यू वुड बी इन द मंथ ऑफ मॉनसून। अब आप जैसे ही टेम्पल के एंट्रेंस के यहाँ पे पहुँचने लगते हो तब आपको एक बोर्ड दिखता है। इस बोर्ड पे आपको टेम्पल रिलेटेड बहुत सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद हम सब अब टेम्पल के प्रीमाइसेस में एंटर करेंगे। टेम्पल और उसका जो प्रीमाइसेस है ना, वो बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है, इसीलिए द मोमेंट यू आर एंटरिंग इन द प्रीमाइसेस ऑफ टेम्पल आपको बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स मिलने लगेगी। टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट द टेम्पल एंड इट्स आर्किटेक्चर, दिस टेम्पल वॉज बिल्ट इन बिटवीन 12th एंड द 13th सेंचुरी। द आर्किटेक्चरल पैटर्न ऑफ दिस टेम्पल इज कॉल्ड एज द कदम्बा स्टाइल आर्किटेक्चर। The peculiar pattern or design of this particular architecture is the shikhar or the top part of the temple. If you can see over here, there is a typical style in which this particular shikhar is built. Over here you can see the shape of the shikhar is little bit like a pyramid, okay? Small layers have been built on each other and as we go ahead or on the upper side, the size of those layers start shrinking. So it's like a shape of a pyramid. Now this temple are very rare in Goa, or if I'm not wrong this is the only temple in Goa in such particular architecture, but you can definitely see many such temples in Karnataka, especially in Badami as well as in Hampi. There is a Shivlinga inside the Garbhagriha of this temple, but it was not allowed to shoot any videos or take any pictures inside, therefore I cannot show you in this particular video. I think the main highlight of this temple is the amazing carvings that you can see in this temple. Ahead in this video, I'll be showing a compilation of the carvings which I have recorded here at Tamdi Surla. Now, all the carvings over here were really beautiful, but you know, there is always something, एक चीज़ हमेशा ऐसी होती है ना जो हमेशा stand out करती है।
सो यहाँ पे मेरी एक पर्सनल फेवरेट कार्विंग थी जो मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ। ये एक लोटस की तरह पे कार्विंग थी और ये कार्विंग यू नो टेम्पल की सीलिंग पे है। सो आप देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत कार्विंग थी और ये मेरी पर्सनल फेवरेट है। सो गाइज दैट्स इट फ्रॉम मी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ आई वुड वॉन्ट टू जस्ट रिकमेंड यू गाइज कि आपको यहाँ पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, देन डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड कि दिस इज अ मस्ट विजिट प्लेस इन साउथ गोवा। सो अगर आप साउथ गोवा जा रहे हो तो डेफिनेटली आपके आइटिनरी में होना ही चाहिए। सो ये टेम्पल बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही पीसफुल यहाँ का एनवायरमेंट है। सो डेफिनेटली इस टेम्पल में जाइए और आई होप दैट ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस टेम्पल के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो डेफिनेटली कमेंट करके मुझे बताइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और डेफिनेटली हम लोग आगे किसी ऐसे ही वीडियो में मिलने वाले हैं। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।